सो हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माई YouTube चैनल। सो फ्रेंड्स, अभी जो आपकी स्क्रीन पे इंट्रो शो रहा था, आप भी उसी तरह का इंट्रो बनाना चाहते हैं अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन से, तो आप भी बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उसका KM प्रोजेक्ट फाइल आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको उसे डाउनलोड कर लेना है। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आप उसे डाउनलोड कर लेंगे तो आपको क्या कर देना, आपको अपना काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर देना है। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आप इस काइन मास्टर को ओपन करेंगे तो आपको क्या कर देना है, आपको उस KM प्रोजेक्ट फाइल को आपको ओपन कर लेना है अपने काइन मास्टर में। तो यहाँ से काइन मास्टर जैसे ही ओपन होगा तो आपको क्या कर देना, आपको यहाँ से क्रिएट न्यू पे प्रेस कर देना है। अब आपको क्या कर देना, आपको इस इंपोर्ट वाले आइकॉन पे प्रेस कर देना है और यहाँ से आपको क्या कर देना, आपको उस फोल्डर को सिलेक्ट कर देना है जहाँ से आपने उस KM प्रोजेक्ट फाइल को डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ से आप जैसे ही इस पर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से SD कार्ड का भी स्टोरेज है और इंटरनल स्टोरेज का भी है और डाउनलोड का भी है। जहाँ पे आपने उसे डाउनलोड करके रखा है, आपको क्या कर देना, आपको उसे प्रेस कर देना है। जैसे ही आप उस पर प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की लोडिंग होना शुरू कर देगा। आपको क्या कर देना, आपको अपनी डाटा को ओपन कर देना है। फ्रेंड, यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका KM प्रोजेक्ट फाइल यहाँ से शो हो चुका है। तो अब आपको क्या कर देना, आपको अपने KM प्रोजेक्ट फाइल को कुछ इस तरीके से प्रीव्यू पे आपको शो कर देना। अब आपको क्या कर देना, आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो टेक्स्ट शो हो रहा है, आपको क्या कर देना, आपको सिंपल से इस टेक्स्ट पे प्रेस कर देना है। जैसे ही आप इस टेक्स्ट पर प्रेस करेंगे, अगर आप इसे अपने यूट्यूब चैनल का नेम टाइप करना चाहते हैं तो आपको क्या कर देना, आपको इस एडिट वाले आइकॉन पर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप इस एडिट पे प्रेस करेंगे, यहाँ से आपको क्या कर देना, आपको अपने YouTube चैनल का नेम टाइप कर देना है। तो यहाँ से मैं किसी भी एक चैनल का नेम टाइप कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं डिजिटल कंप्यूटर टाइप कर लेता हूँ और ओके पे प्रेस कर देता हूँ। तो आपको भी कुछ इस तरीके से आपको टाइप कर देना है। अगर आप इसे कोई और फॉन्ट देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। आपको क्या कर देना, आपको इस A फॉन्ट पे प्रेस कर देना है और यहाँ से आपको कोई भी एक फॉन्ट को सिलेक्ट कर देना है। जो भी आपको फॉन्ट अच्छा लगता है आप उस फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका इंट्रो कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आपका चैनल जिस भी कैटेगरी का है तो आपको क्या कर देना, आपको इस लोगो डिज़ाइन एंड एडिटिंग पे प्रेस कर देना है, फिर से आपको एडिट पे प्रेस कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मेरा कैटेगरी लोगो डिज़ाइन एंड एडिटिंग है, आपका जो भी है वो आपको यहाँ से टाइप कर देना है। तो यहाँ से मैं यूट्यूब टिप्स एंड टिक्स फॉर टिक्स लिख लेता हूँ। तो आपको जो भी अच्छा लगता है वो आपको यहाँ से अपनी कैटेगरी लिख के आपको ओके पे प्रेस कर देना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका इंट्रो आपके चैनल का भी बनके आपके सामने शो हो जाएगा। तो फ्रेंड, यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको हम अपना KM प्रोजेक्ट फाइल यहाँ से देने वाले हैं। अगर आप इसे कोई और कलर देना चाहते हैं, रेड नहीं देना चाहते, कोई और कलर देना चाहते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो आपको क्या कर देना, आपको एडजस्टमेंट में आ जाना है और यहाँ से आपको थोड़ा सा नीचे आके आपको क्या कर देना, आपको इसके व्यू को कम या ज़्यादा कर देना है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका कलर कुछ इस तरीके से चेंज हो चुका है। जो भी आपको कलर अच्छा लगता है वो आपको सिलेक्ट करके आपको क्या कर देना, आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के लिए आपको इस एरो वाले आइकॉन पे प्रेस कर देना और सेव एज वीडियो पे प्रेस कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका इंट्रो बनके तैयार हो चुका है, जो अभी गैली में सेव हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना। अब हम मिलेंगे एक और न्यू नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ। इस वीडियो में आपका बने रहने का शुक्रिया।